दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह का तूफान। मात्र 9 गेंदों में 52 रनों की आतिशी पारी खेल डाली। इसी के साथ उन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो आप भी देखना चाहते हैं कि कैसे रिंकू सिंह ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा खत्म होने के बाद भारतीय टीम इस वक्त श्रीलंका दौरे पर आई हुई है, जहां पर 3 मैचों की टी20 सीरीज भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही है। वहीं सीरीज के खत्म होने के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज पहला टी20 मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बना डाले, जिसमें श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा ने 58 रनों का योगदान दिया। तो वहीं टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही और 92 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट खो दिए। उसके बाद दोस्तों, मैदान पर रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, जहां रिंकू सिंह ने धनंजय डिसलवा के एक ओवर में 6 छक्के लगाए और उसके बाद अगले ही ओवर की 2 गेंदों में 2 लंबे छक्के जड़ दिए और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़कर मात्र 9 गेंदों में ही 52 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली और युवराज सिंह के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपने अकेले दम पर भारतीय टीम को हारा हुआ प्रैक्टिस मैच जिता दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।